सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, मैं विपिन खुराना, एसवी न्यूज हिसार। आज हम पहुंचे हैं हिसार शहर की, हिसार जिले की। अगर बात करूं तो जानी मानी हस्त्री नेत्री बीजेपी की जो नेता है गायत्री देवी जी के पास, जो की जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, और जो स्पेशली जिन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया हुआ है हांसी को, उनके पास हम पहुंचे हैं और जानेंगे उनसे कि उनकी नीतियां क्या हैं, वो बीजेपी से क्यों जुड़े हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, महिला मोर्चा से जुड़े हैं, महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बात की महिलाओं की, तो महिला हूँ, महिला मोर्चे की अध्यक्ष हूँ जिले की। महिलाओं के लिए हमारा प्रॉपर ये रहता है कि जितनी भी योजनाएं हमारे केंद्र से और प्रदेश सरकार से आई हैं, वो मैं योजनाएं मंडल के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, जिले में जहाँ तक हम महिलाओं तक पहुँच बना पाए हैं, वो योजनाएं हमने उन तक पहुँचाकर अपनी नीति से उनको अवगत कराने का कार्य किया। मैम, आप बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है और आप शायद बीजेपी में जुड़े भी काफी टाइम से हैं, लेकिन जब आप बीजेपी से जुड़े थे उस टाइम पे जोर शायद कांग्रेस का था, आप कांग्रेस से क्यों नहीं जुड़े, आप बीजेपी से ही क्यों जुड़े या किसी लोकल पार्टी से क्यों नहीं जुड़े? मैं पहले छात्र संगठन में भी रही हूँ और माननीय हमारे स्वर्गीय अटल जी जो है, मैं उनकी विचारधारा से, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा ये है कि हर व्यक्ति को हम एक सूत्र में पिरो के उनका भला हम कैसे कर सकते हैं, तो माननीय अटल जी की भी यही विचारधारा थी, तो उनकी विचारधारा से जुड़कर हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। आप किस जगह को अपना कार्य क्षेत्र बना के काम कर रहे हैं? मैं हांसी को अपना कार्य क्षेत्र बना के कार्य कर रही हूँ, क्योंकि मैं हांसी में ही जन्मी हूँ, हांसी में ही पढ़े बड़ी हूँ, हांसी में ही मेरी शिक्षा हुई है, और देखा कि हांसी में जहाँ जन्म होता है और उस क्षेत्र से एक अलग सा लगाव होता है, तो वो लगाव ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, क्योंकि आम जनमानस भी जो वहाँ पर है, तो उन लोगों के साथ एक अपनापन होता है और अपनेपन के माध्यम से ही हम उनके लिए कार्य कर सकते हैं। हांसी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूँ तो वहाँ पे कई कैंडिडेट जो टिकट की डिमांड कर रहे हैं, शायद उनमें से आप भी एक हैं, तो आपको क्या लगता है पार्टी आपकी तरफ ध्यान देगी? हम संगठन के पुराने सिपाही हैं, अनेक संगठनों में भी मैं रही, और छात्र संगठन से भी मैंने बताया कि मैं जुड़ी हुई हूँ, और पहले जिला महामंत्री रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जब माननीय मोदी जी ने 21 जून से ही शुरुआत की थी अभियान की, तो उसमें मैं 7 जिलों की प्रभारी भी रही, और अब मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और महिलाओं के लिए तो बात हो गई थी, लेकिन ये है कि हम वहाँ के लिए बिल्कुल जो समस्याएँ हैं हमारी देखती आ रही हूँ कि कितनी, मतलब छोटी उम्र से ही देखते आ रहे हैं कि क्या क्या जो हांसी है वो समस्याओं से जूझ रहा है, और उन समस्याओं से ही लोगों को निकालना है, जागरूक करना है, उनका पूर्ण रूप से विकास करवाना है। अगर मैं बात करूँ हांसी शहर की समस्याओं की, एक बहुत बड़ा पिटारा एक खोल के रख दिया जाता है अगर हम हांसी में जाकर इन बातों में बात करते हैं। बात यहाँ पर आकर जुड़ते हैं कि आप हांसी में जन्मे, आप हांसी को अपना कार्य क्षेत्र मानते हैं, हांसी से आप दिल से जुड़े हुए, आप कह रहे हैं आपने हांसी शहर के लिए ऐसा क्या किया है कि हांसी शहर आपको जाने और पहचाने और याद करता है? हांसी में जन्मे हैं, हांसी में पले बड़े हैं, लेकिन जो आपने बात कही है बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हांसी में जितने भी गांव, मैं आज 38 गांव तो कवर कर चुकी हूँ, और उसमें मैंने देखा कि क्या क्या समस्याएं हैं, और जहाँ तक हमें लगता है, मैं पत्र के माध्यम से भी और मुख्यमंत्री जी से मिल के भी हांसी की समस्याओं के बारे में समय समय पर अवगत कराती रहती हूँ, और अनेक बिजली की पानी की समस्याएं हैं, जितना भी डिपार्टमेंटों के माध्यम से, और हम अपना उसमें अहम योगदान दे रहे हैं। आप गांव-गांव जाकर, वार्डों में जाकर आप खुद भी पूछ सकते हैं कि गायत्री ने इस गांव के लिए, इस वार्ड के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, चाहे बात हो सड़कों के निर्माण की, उनमें भी हमारा रहता है कि ये जो योगदान है जो पूर्ण रूप से हम कार्य कर सके, जिसमें जो आम जनमानस है उसको समस्याओं से जूझना ना पड़े। महिलाओं के लिए अनेक ऐसी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, मैं घर घर तक जाकर खुद मैंने महिलाओं को अवगत कराकर उन योजनाओं में उनका
पूरा फायदा उठाने की बात कही और दूसरी बात उज्ज्वला योजना सिलेंडर बांटने की, जो हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको सिलेंडर बांटने के लिए हम घर घर तक गए और उनको अवगत कराया कि सरकार आपको इतनी सारी योजनाएं आपके लिए बनाई हुई हैं तो आप उनका फायदा उठाइए। तो ये हमारा कार्य रहता है और मैं 24 घंटे में तो सुबह से शाम अपने फील्ड में ही अपने लोगों के बीच में, क्योंकि अच्छा लगता है, प्यार प्रेम है उनसे और जो आशीर्वाद मुझे उनसे मिल रहा है तो मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आज एक नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया सदस्यता अभियान, उसके लिए महिला मोर्चा भी कुछ स्पेशल कर रहा है। बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि सदस्यता अभियान हम हर बूथ स्तर तक और हर मंडल स्तर तक और जिला स्तर तक लेके जाएंगे। मेरे 22 मंडल हैं और 22 मंडल में मेरी 22 मंडल अध्यक्ष महिला हैं और उन महिलाओं को मैंने, चाहे कॉलेज हो या फिर कोई वार्ड में हमारी जितने भी महिलाएं हैं जो फोन रखती हैं, और दूसरी बात हमारी बूथ पे जो महिला हैं और जो हमारी महिला मोर्चे की मेन पदाधिकारी हैं, उनको हमने इन सारी चीज़ों से एक मीटिंग लेकर अवगत कराया है कि आप जाइए महिलाओं के पास और उनको सदस्य बनाइए, क्योंकि जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की, आप उस विचारधारा से महिलाओं को जोड़ने का काम करें। तो ये हमने सदस्यता अभियान पूरे जिले में पूर्ण रूप से चलाया हुआ है और 19 तारीख को इस अभियान को लेकर बैठक हुई है। मिशन 65+, मिशन 75+, मिशन 85+, खट्टर सरकार, मनोहर खट्टर जी को दोबारा लाना, उसके लिए शायद पूरा बीजेपी और पूरा संघ एक साथ जुड़कर लगा हुआ है। हर कोई अलग अलग बोलता है, बराला जी की बात करें तो 65+, मुख्यमंत्री जी खुद बोलते हैं 75+, और कोई संघी नेता तो बोलता है 85+। आपको क्या लगता है कितने प्लस होंगे और मनोहर खट्टर जी की सरकार के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आपको लगता है कि 75+ हो पाएगा? बिल्कुल, अब की बार 75 बार और बार बार मनोहर सरकार, ऐसा इस नारे को लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले समय में देखा कि जो डी ग्रुप की नौकरियां नहीं थी, उन नौकरियों में इतनी ईमानदारी और पारदर्शिता से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हर गांव में, आज मैं गांव में जाती हूँ, किसी में 12 लड़के नौकरी लगे हैं, किसी में 15 लड़के नौकरी लगे हैं, तो युवाओं को रोजगार देने का अगर कार्य किया है, पूर्ण जो उनकी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर बिना मतलब पर्ची और खर्ची का जो चलन इन्होंने बंधन किया है, तो पहली बार मनोहर सरकार ने हुआ है। और उसी दावे के साथ इतनी सारी हमारी योजनाएं भी आई, महिलाओं के लिए कार्य हमने किए, पढ़ी लिखी पंचायतें हमने बनाई, और मैं जहां का नेतृत्व करती हूं हांसी में, मैं जहां अपना कार्य क्षेत्र जो मैं देख रही हूं उसमें, आप सब देखो कि वहां की चेयरमैन महिला है, वहां की वाइस चेयरमैन महिला है, और जो हमारे विपक्ष की विधायक है रेणुका बिश्नोई वो भी महिला है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि वो हांसी हल्के की तरफ उसका कोई सरोकार नहीं है, वो हांसी हल्के की तरफ देखती भी नहीं है, और देखे भी कैसे, क्योंकि वो वहाँ की है ही नहीं, उसका उन लोगों से लगाव क्यों होगा, ना तो वो वहाँ पर रही है ना उसका कोई उन लोगों से लगाव है, तो वो हांसी का विकास क्यों करवाएगी। हांसी का विकास तो स्थानीय लोग ही करवाएंगे जो वहाँ पर रहते हैं और जिनका उनका उनके साथ रहे हैं, वही देख सकेंगे ना उन समस्याओं को। तो यही चीज है कि अब की बार जो मनोहर सरकार ने सबका साथ और सबका विकास के साथ सम्मान कार्य किए हैं, और एक सबका साथ और सबका विकास के साथ एक चीज और भी जुड़ गई है, सबका विश्वास, जो आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि किस तरह से आज माननीय मोदी जी पर और मनोहर लाल जी खट्टर की नीतियों पर पूर्ण रूप से जनता ने मोहर लगाकर हमारे लोकसभा सांसद को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम यहां से किया है, तो अब की बार 75 पार का ये नारा हमारा बिल्कुल सिद्ध होगा। कष्ट निवारक समिति, आपने, आप उसके सदस्य भी है, वैसे तो कष्ट निवारना हर एक नेता का फर्ज है, कर्म है, धर्म है, अगर मैं मानूं, क्योंकि जनता उन्हें इसीलिए आगे बिठाती है कि हमारे कष्ट ये दूर करेगा, और आप तो उसकी एक समिति जो बनी है उसके सदस्य हैं, उसके तौर पर आपके कार्यशैली क्या रहती है? कष्ट निवारण समिति में किसी भी गांव की कोई भी समस्या है, किसी भी वार्ड की कोई समस्या है, तो व्यक्ति आता है, तो उसमें हम ग्रीवेंसी के माध्यम से अपने चाहते हैं कि जो हमारा आम जनमानस है वो दुखी ना हो, समस्याओं से ना जूझे, और उस जो भी कार्य हमारे पास लेके आते हैं तो हम उनको करवाने का पूर्ण रूप से पूरा प्रयास करते हैं। माननीय बनवारी लाल जी हमारे कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से हम समय समय पर उनके आगे ये समस्याएं रखते भी रहते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। एक बहुत सुंदर चीज, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे दिखाएं,
ये हासी की विधानसभा क्षेत्र के लिए जब से कार्य कर रहे हैं और बीजेपी से टिकट की डिमांड कर रहे हैं, इन्होंने जैसा इन्होंने हमें बताया पहले बैठे हुए कि मैंने यहाँ की एक गली की समस्याएं, गांव की समस्याएं, मोहल्ले की समस्याएं, सब समस्याएं मैंने नोट कर रखी है और उसके लिए किस तरह एक रणनीति आपने बनाई है, अगर आप विधायक बनती हैं वहां पर और आपको टिकट मिलती है तो आपने किस तरह की रणनीति वहां पर बनाई है? जो भी आज हम गांवों में जाते हैं, वार्डों में जाते हैं, शहर की समस्याओं को जो जब हम देखते हैं, तो मैंने एक एक चीज को अपने कागज पर उतारा हुआ है कि किस तरह से मैंने कितने समय में कौन सी गांव का, कौन से वार्ड का किस तरह से हम विकास करवा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या गांव में आज देखने को मिल रही है पानी की समस्या। पानी की समस्या क्योंकि बहुत सारी पाइपलाइन की वजह से या फिर कुछ लोगों की जागरूकता भी, मैं कहूंगी कि लोगों में अभी जागरूकता नहीं है। सबसे पहले तो हम एक मिशन चलाएंगे जागरूकता अभियान कि हम जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं हम उनमें से किस प्रकार से उनको जागरूक कर सकते हैं, और एक एक समस्या को नोट करके मैं अभी भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगी पत्र के माध्यम से, उनसे मिलकर भी कि हमारे गांव में कौन कौन से किसान हैं, जवान हैं, युवा हैं, कौन कौन सी दिक्कतें उनको आ रही हैं सामने। अगर ये मौका मुझे मिलता है तो मैं हासी के विकास के लिए, चहुंमुखी विकास के लिए दिन रात उनके सामने उनके साथ खड़ी रहूंगी और उनका हासी का, और मैं चाहती हूँ कि हरियाणा के मानचित्र में हासी एक अलग ही क्षेत्र दिखे ताकि सभी ये देखे कि हासी में किस प्रकार से यहाँ विकास हो रहा है। हासी के विकास के लिए हम हमेशा लोगों को अवगत भी कराते रहेंगे, सरकार को भी अवगत कराते रहेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं समय समय पर उठाते रहेंगे। धन्यवाद मैम। जैसा कि हमने अभी आपको मिलाया गायत्री देवी से, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा ये बीजेपी से कितने मतलब दिल से जुड़े हैं। इसके लिए एक एग्जांपल, नरेंद्र मोदी जी की फोटो, भारत माता जी की फोटो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो, और इधर आप देख सकते हैं मनोहरलाल खट्टर जी के साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ, हमारे यहाँ राज्य के जो राज्य मंत्री, आप फिलहाल शायद राज्यसभा में है, ये सेंटर के केंद्रीय मंत्री, इस्पात मंत्री, और हमारे अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष, मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर भी अगर मुंह करें, और अमित शाह जी के साथ, मतलब किस तरह से इस तरह जुड़े हुए हैं कि पार्टी का हर वर्कर, हर नेता, हर कोई इन्हें अच्छी तरह जानता है और ये पूरी तरह से समर्पित है हासी जिले के लिए। इसके लिए मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, इनका जो प्लान है ये शायद मैंने पहली बार ही किसी कैंडिडेट के लिए, जो टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगने वाले कैंडिडेट बहुत हैं, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा प्लान किसी के यहाँ देखा है और मैं इसके लिए चाहूंगा, ये काबिले तारीफ है और इसी तरह से लगे रहे, मैं इन्हें बेस्ट ऑफ लक दूंगा कि इन्हें टिकट मिले और यहाँ से विधानसभा से जीते और विधायक चुने जाएं। मैं विपिन खुराना, SV News, कैमरामैन संदीप सिंह के साथ हिसार हासी।